दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। पीड़ित अमरजीत सिंह ने बताया कि काफी सालों से उनकी जमीन पर किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है। अमरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अब बिलासपुर से पैदल मशाल यात्रा शुरू की है, जो शिमला राज्यपाल के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएगी। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये यात्रा आगे जारी रहेगी। मेरा नाम अमरजीत है, मैं रघुनाथपुरा पंचायत के गांव रामपुर से हूँ, वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मैं पिछले कई सालों से जो लोग गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, मैं उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत कारणों से मेरी ज़मीन पे कोर्ट के माध्यम से स्टे करा दिया, लेकिन मैं वो कोर्ट में लड़ रहा हूँ। एक तो हाई कोर्ट किया, वो जिसने हमारे ऊपर कराया था उसका खारिज हो गया, एक सेशन कोर्ट में लगा है, वो लड़ रहा हूँ। लेकिन जिनकी ज़मीन नहीं है, उस स्टे वाले के साथ मिलके जो हमारे पड़ोसी हैं, राकेश कुमार, ये जो हर लोग में अपना हार्डवेयर का काम, धनबल के आधार पर मेरे साथ सब लोग मिलके धनबल के उस जोर जबरदस्त करके रात दिन इन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। पहले तो उसने कभी निशानदेही नहीं कराई अपनी, हमारी जमीन पे बिना निशानदेही के ज़बरदस्ती करता रहा। जब मैं पुलिस के पास कई बार गया तो मैंने बोला कि निशानदेही नहीं कराता, बोलते मैंने क्यों करानी, ये कराए तो मैंने कराई बड़ी मुश्किल से, तो उनकी ज़मीन नहीं निकली, पुलिस प्रशासन पंचायत थे, उनकी ज़मीन नहीं पाई गई, तो पुलिस ने बोला, उनको सबने बोला कि अब मत करना। तो उस ज़मीन के सारे रिकॉर्ड मैंने उसके खिलाफ दे दिए, निशानदेही होगी अगर उसको ज़मीन उसकी थी, उसका जो भी था तो वो कराता, अगर निशानदेही गलत हुई तो वो लोग कराते, या पहले कराते, या मेरी निशानदेही के बाद दोबारा करते। ज़मीन पर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी, एक ही परिवार के ऊपर जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने इनके नाम सबके दे दिए हैं पुलिस प्रशासन में, और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने पुलिस में भी दे दिया कि इनकी गुंडागर्दी से आए दिन मेरा परिवार तंग हो गया है, और तो माँ बहन बेटी बच्चों तक का बहुत बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने मिल के। पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी गुंडागर्दी आ गई इनकी, ये कुछ भी आए दिन किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई करने वाला नहीं, कोई अन्याय करने वाला नहीं है। तो इस बात को लेकर मैं अब राज्यपाल महोदय के पास इस मसाल को जला कर लेके जा रहा हूँ कि कहीं तो मुझे न्याय मिलेगा, जहाँ मुझे न्याय मिलेगा मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा, पर इसलिए पर जहाँ तक मुझे न्याय मिलेगा मैं चलता रहूँगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।